हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है फ्रेंड्स टिफिन स्पेशल आलू पालक की सूखी सब्जी। जबरदस्ती ये सब्जी होती है जो हमारे टिफिन के लिए स्पेशली बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है ये पालक है, मीन्स स्पिनिश। तो फ्रेंड्स, हमें पालक हमने आधा किलो के करीब लिया है, जिसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद में फाइन चॉप करके रखा हुआ है। उसके बाद में हमें 2 पोटैटोस यानी ये लगेंगे, यानी कि आलू लगेगा, जिसको हमने इस तरह से चॉप करके रखा हुआ है। उसके बाद में हमें टमाटोज लगेंगे, 2 से 2 और 3 यानी 2 से 3 टमाटर लगने वाला है। रेड चिली यानी कि लाल मिर्च लगने वाली हमें सूखी वाली। उसके बाद में ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च लगने वाली है। अनियन हमें, प्याज लगेगा, एक बड़ा प्याज लिया था हमने। उसके बाद में ड्राई फेनिग्री सीड यानी कि मेथी के दाने लगेंगे। ये है ग्रीन कार्डिमन यानी कि हरी इलायची, 2 लिए हमने यानी 2। उसके बाद में क्यूमिन सीड यानी कि जीरा लगने वाला है। ये है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। उसके बाद में हमें गरम मसाला लगेगा। उसके बाद में हमें ये रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक यानी कि हल्दी, सॉल्ट यानी नमक लगने वाला, और जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। सो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है। और इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखिए। सो फ्रेंड, मेरी ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने को रख दिया है फ्रेंड, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो आलू है इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप बोल रहे होंगे आलू तो वैसे ही पालक में पक जाता है, लेकिन इसको हम फ्राई करेंगे तो इसका जो टेस्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, और हमारा आलू पालक की जो सब्जी बनेगी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो हम पहले आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसको हल्का सा हमारा कलर चेंज होते तक फ्राई करना है। अब हमारे आलू काफी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं, इसका पूरा ऑयल निकाल लेंगे फ्रेंड्स हम। अब हम इसमें हमारी सूखी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, साथ में हमारी जो इलायची फ्रेंड्स, इसको हमने तोड़ लिया है थोड़ा सा, ये 2 इलायची डालेंगे, और ये 1/4 टीस्पून के करीब हमने ये मेथी दाना लिया है। साथ में जीरा डाल देते हैं और इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। ये टिफिन के लिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी लगती है फ्रेंड्स ये बनाने के बाद में, आप बना के जरूर देखना। हरी मिर्च डाल देंगे, हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, आप अपने यहाँ जैसे खाते उसके मुताबिक ही ग्रीन चिली, रेड चिली और नमक अपने मुताबिक डालना। अब हमारी प्याज को हम सॉफ्ट होने देंगे। और इसी के साथ में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर देते हैं। और हमारी प्याज को हमें सॉफ्ट होने देना है। प्याज भी हमारी अब सॉफ्ट होने लग गई। अब इसमें हम गैस का पावर थोड़ा स्लो करके हमारे गरम मसाले ऐड करेंगे। तो उसमें हम रेड चिली पाउडर यूज कर रहे हैं, मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब ये रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक ही डालिए। गरम मसाला हम 1/2 टीस्पून यूज कर रहे हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक यानी कि हल्दी 1/2 टीस्पून, मिक्स करेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब इसमें हमारे टमाटर हमने चॉप करके रखे थे उसे डाल देते हैं, ये 2 से 3 टमाटर हमने लिए थे फ्रेंड्स, मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे भुनेंगे, उसके बाद इसमें हम पालक ऐड करेंगे। अब हमारे टमाटर में हमारा हो चुका है, टमाटर भी एकदम सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि वो पालक के साथ में पकेगा ही। तो अब इसमें हम पालक ऐड करते हैं। मिक्स कर देंगे पहले ताकि मसाले ना जले नीचे से, और बाकी की सारी पालक उसमें ऐड कर देते हैं। गैस का पावर हमें मीडियम ही रखना है, और अब इसे हम ढक देंगे और थोड़े देर के बाद में खोल कर फिर उसमें हम नमक ऐड करेंगे। चलिए अब हम हमारी पालक को चेक करते हैं। ये देखिए काफी दब चुकी है फ्रेंड्स, अब इसे हम मिक्स करेंगे पहले।
अब पालक में पानी की मात्रा बहुत होती है, इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, तभी ये सूखी सब्जी बनेगी। इसे हमें और सॉफ्ट होने देना है, उसके बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो उससे क्या होता है, हमें परफेक्ट अंदाजा मिल जाता है कि हमें किसमें कितना नमक डालना है। अब इसे हम ढक देते हैं। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी पालक ने काफी पानी छोड़ दिया और ये दब चुकी है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देते हैं हमारा आलू। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसमें अब इस पीरियड में हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। नमक ऐड करेंगे इसमें हम, ढक देते हैं और इसे हमें सूखते तक पकने देना है। चलिए अब हम हमारी सब्जी को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी काफी अच्छे से तैयार हो रही है और ये हल्का सा इसमें पानी रह गया है, तो अब इसे हम 5 मिनट तक खुली पकने देंगे। इसे ढकेंगे नहीं और इसे हमें ऐसे ही पकने देना है, तो इसका पानी पूरा सूख जाएगा। ये देखिए अभी हमारी सब्जी पूरी तरह से सूख चुकी है। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स साइड में हमारा सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया, इसका मतलब हमारी सब्जी काफी अच्छे से तैयार है। और ये तैयार होगी हमारी टिफिन स्पेशल पालक आलू। गैस का पावर बंद करते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गए हमारा टिफिन स्पेशल आलू पालक की सूखी सब्जी। खाने में बेहद टेस्टी होती है फ्रेंड्स, और आप इसे जरूर ट्राई कीजिए अपने टिफिन के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।